भैया ये यहाँ क्या हुआ था, बाढ़ आई थी तो आपका गांव कहाँ? नीचे था गांव सामने वो चम्बल के पास। हाँ। अच्छा, तो 2019 में बाढ़ आई, उसकी वजह से आपको फिर यहाँ बता दिया गया। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में मुरैना के कई गांव आ गए। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। फिलहाल चंबल नदी का जलस्तर 144.5 मीटर है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पे आपको रख दिया पर व्यवस्था कुछ नहीं दी है मकान। व्यवस्था तो अभी नहीं हुआ है, बिजली बिजली भी नहीं है, लाइट तो है, लाइट आ गई है, सड़क वगैरह आई थी। हाँ भैया माय का जगह आवास आवास। हाँ एक लड़का है अच्छा 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 उससे पहले खेती वेती थी आपकी? कुछ खेती आज में कछू ना भाई, इतना पहले नदियापुरा में क्या काम था आपका? नदियापुरा में क्या करते थे आप? खेती करते थे नीचे? पहले नीचे करते थे तब तक होता था, अब कुछ नहीं होता है यहाँ पर। 2 साल से चंबल आती है। हाँ हाँ तो इसमें वो ज्यादा जानवर तो होने नहीं देता है। अच्छा 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 समझ गया समझ गया। जानवर जानवर और क्या मतलब, और कौन से जानवर है? एक तो घड़ियाल है, और घड़ियाल अलग है, और जी जिनावर है, सुअर है, परेशान करते हैं, सांवर है, और रोज है, वो हॉर्न नहीं देते हैं फसल में, उधर में नजर डुबाई देती है अगली साल को, और इधर में आके नहीं ये करने देते नहीं है, जो नहीं हॉर्न देती है। इसमें पानी आ रहा है, बोर बना हुआ है, और कह रहे भैया काफी गर्म पानी आ रहा है इसमें। सुग्रीव आप क्या करते हैं? नहीं करते रहते हैं खेती आड़ी और कुछ काम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खेती करना मुश्किल होगा इधर बहुत? हाँ बहुत, 24 दूपी से बहुत मुश्किल है, पानी आ नहीं है नहीं खेती। अच्छा अच्छा, हो जाती हो जाती। पर चंबल में इतना पानी है लेकिन आप पीने के लिए पानी नहीं, अपने अपन को पानी नहीं मिल पाता। पानी कैसे मिले उसमें? घड़ियाल बहुत है, घड़ियाल भी बहुत है। मास्टर आता नहीं है स्कूल से। अच्छा स्कूल है। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे लगभग पूरे गांव में? कम से कम लगभग 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे तो जाना पड़ता गांव तक? अरे 25 घर है तो 25 घर जाना नहीं पड़ता उनको, फिर जाना पड़ता, पढ़ने जाते जा नहीं पाते, फिर यहाँ से और कोई काम है तो दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, कम से 4-5 किलोमीटर दूर है, सब जंगल एरिया, जंगल पूरा है, कोई पकड़ ले कुछ हो जाए। अरे पकड़ नहीं लेता तो जानवर भी, जानवर भी बहुत है। जानवर कैसे है यहाँ, कौन से कौन से? कौन से सब है? चीता है, चीता भी घूमते इधर, शेर भी है, शेर देख जाते हैं इधर? देखने आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आते रात में, रात को आते हैं, देखते हैं हमको। भेड़िए भेड़िए भी छोटे लोमड़ी वोमड़ी घूमती होंगी, छोटे बच्चे पकड़ लेते होंगे, बच्चों को पकड़ लेते हैं जी, जानवर को भी, हमें बकरी बकरी इनको भी खा लेते हैं। पूरा जंगल ही है, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, देखा है। पानी में, पानी में है स्कूल, पहले हम इस गांव ने बसाया था कलेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। मास्टर की कही थी। हाँ। मास्टर आएगा। हाँ। पर मास्टर आता नहीं है, तो कहता है कि मैं क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं पढ़ाऊँ, हम रह रहे जैसे तो पढ़ाऊ बच्चों, और क्या, सही बात है, बिल्कुल हम भी रह रहे हैं। रास्ता भी तो है आने का, रास्ता भी अच्छा बना, मतलब ठीक ठाक आ सकता आराम से, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जंगल रास्ता ही ना, मोटरसाइकिल तो आ सकती है, दिक्कत हो सकती है, पर वैसे बारिश में दिक्कत होती है, बारिश में ऐसा होता है कि 2 महीने ना हो लेकिन 10 महीने चलेगी, 10 महीने और जैसे रास्ता जैसे इधर की खराब हो जाती है। हाँ जी पट्टी के पास। हाँ। अच्छा पट्टी के बगल से आ जाओ, वहाँ कलेक्टर ने कही थे उस गांव में से निकल के यहाँ आ जाओ। हाँ। मैं तुम्हारे पक्के बनवा के दूंगा उसको, अभी 2-3 साल हो गई उसने ना तो पक्के बनवा के दिए। तो आप लोग ऊपर आ गए थे? हाँ। बाहर से मतलब कहा कि मतलब ऊपर आ जाओ कि ऊपर बढ़िया हो जाएगा काम, पक्के बनवा के दूंगा ना तो कोई कलेक्टर नहीं, तहसीलदार पटवारी सभी, अब तो यही डाल गए, देखने के नहीं आते, देखने के लिए समझ गए। आपको पहले वादा किया था मकान? हाँ उन्होंने ये तो कहा कि वो निकलवा के हमको, वो कह रहे बहते तो वैसे भी थे वो। हाँ, हाँ, लेकिन रह रहे थे ना। हाँ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम बह ही रहे तो ऊपर आ जाओ, हम मदद करें तुम्हारी, तो वो चक्कर हो गया शिफ्ट करने के। यहाँ भी बताया था, यहाँ अच्छी जगह, पहले बोला था कि अभी तो तुम वैसे बस जाओ, एक साथ अच्छी जगह है, पक्का कर देंगे, नहीं आवास दिलवाएंगे तुमको, वैसे बोला था आवास दिलवाएंगे तुमको सबको, एक एक कमरा के लिए, समझ गया, तो आवास दिया ना, स्कूल दिया ना, कुछ समझ गया भविष्य बच्चों का। वैसे अम्मा ये मतलब जैसे एक तो बारिश की प्रॉब्लम आती होगी, पूरा बह जाता मतलब कीचड़ हो जाता है, धूप में धूप में तिरपाल में ठुक जाता है, और कच्चे अपना एक कच्चे घर है पूरे, है ना, कच्चे घर का तिरपाल टाना कछु करो ना, हाथ में सिंटा रहे हैं, आ गए ऊपर बस बाढ़ के चक्कर में।
अब बच्चों के लिए यहाँ वो कहते वो भी नहीं आता, वो टीचर भी नहीं आते, नहीं आते, बोल दिया लेकिन आते नहीं है। अब आ रहा वैसे फिर रहे काकुल बोले बेरे बेरे बोले तो सरपंच को नो कहता के बेरे बेरे माए प्राण सो कराए। हां जी हां सिरा ने पता होगा काकुल बेरे बेरे समझ गए आपकी बात। अगर बच्चे मतलब मतलब जाए अगर यहां स्कूल होगा तो बच्चे जाएंगे वो क्यों नहीं आएंगे, जाएंगे फालतू नहीं घूमेंगे फिर और क्या सही बात है। और यहां से फिर गांव कितना दूर पड़ता है, जंगल में कैसे जाएंगे है ना, सही बात है। रोड नहीं है, बिल्कुल कोई रोड भी नहीं है। राम राम अम्मा बताइए आप कुछ कह रहे फोटो ला रहे हैं बताओ भैया जी साया बताओ अम्मा। अच्छा समझ में जोर से बोलूं ये अम्मा ये बहुत इधर क्या कहते हैं आप तो बहुत सालों से होगी बहुत साल से बागी बागी देखो ना बागी डाकू होता पहले पहले ना पहले पहले ना पहले 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 होंगे तो मर गए तो अम्मा देखो अम्मा देखे तो कौन से कौन सी देखे डकैत 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 पहले देखे होंगे पहले 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 क्या कर रहा है तो आते बेटा सुमर मुरी गए वाला को पहले तो आते मुझे कपूर कर ले जाते हां कर लेते अब ना अब ना पुरानी गांव में दो तीन वर्ष से कपूर ना आया भैया पुरानी गांव में आवत गांव में पुरानी गांव में लूट सामने गांव नहीं है वो। हां जी हां जी हां उधर ही रहते अभी रहते हैं अब नहीं रहते। अच्छा पहले रहते थे इधर आ अच्छा चंबल की उस तरफ नहीं अच्छा इधर ही सामने से आ नीचे नीचे अच्छा 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 तो खाल पत्तों भी अब तो कोई टेंशन नहीं है इधर कोई अब तो दिक्कत यही है खाने और पीने की दिक्कत है जो भी मतलब ना ना खेती हो पा रही है रास्ता की दिक्कत पक्का रास्ता हो जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा रास्ता तो है ही नहीं। चंबल है क्यों चंबल इतना साफ पानी है चंबल पीने लिए लेकिन चंबल के अंदर पानी निकालने यहाँ नहाने नहीं जा सकते आप क्योंकि इतने घड़ियाल हैं यहाँ पे हाल चबा जाएंगे बच्चों को तो पकड़ के ले जाते हैं भैया बता तेंदू वेंदू भी घूमते हैं क्योंकि पूरा जंगल है ये। जैसे अपने चंबल बहुत फेमस है ना दूर दूर से लोग देखने आते हैं तो अभी हम लोग ऐसे इधर गए थे आगे अपने खजुराहो साइड ना ऐसी जंगल है आदिवासी लोग रहते हैं तो वहाँ ना क्या है उन्होंने गवर्नमेंट ने मदद करी उनकी कि लोग बाहर से आते घूमने तो ऐसे झोपड़ियों में रुकवाते हैं समझ रहे हो बात को तो यहाँ भी कर सकते हैं ये पूरा जंगल है चंबल है और आपको रोजगार भी मिलेगा मतलब आप रुकवाओगे लोगों को वो पैसे भी देंगे आपको रुकने के और हाँ और बदले में वो आप क्या दे रहे हो उनको कि सिक्योरिटी दे रहे हैं मतलब कि यहाँ कोई टेंशन नहीं आई आपको और मिट्टी मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाते हैं ऐसा तो ये गवर्नमेंट ये भी कर सकती है मतलब आपकी रोजगार की मदद कर सकती है सर इस मामले में।